हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होम मेडिसिन में। मैं एमडी हूँ, एक्यूपंचर एक्यूप्रेशर सुजोक और नेचुरोपैथ का। और आज मैं आपको डिओड्रेंट बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका बतलाऊंगा, क्योंकि आजकल जो मार्केट में डिओड्रेंट बिकते हैं पूरे केमिकल के रहते हैं। हालांकि ये इसको मैं नेचुरल बोलना चाहता हूँ, लेकिन ये नेचुरल तो नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो भी इसमें भी केमिकल रहेगा। लेकिन इससे आपको नुकसान नहीं होगा, जो भी लगाएगा उसको नुकसान नहीं होगा। तो अभी गर्मी भी चालू होने वाली है होलिका दहन के बाद में, तो मैं लगा कि इसका एक वीडियो अपलोड करा जाए। तो ये आपको करना क्या है कि वेस्लिन लेना है। वेस्लिन आप किसी भी कंपनी की लीजिए, हल्की भारी कोई वो नहीं है। इसको पूरी वेस्लिन को मैं निकाल लेता हूँ। ये नहीं, मैंने निकाल करके इसको एक इसमें डाल दिया। ये वेस्लिन निकालने के बाद में डिओड्रेंट में मेरे साथ में ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर मैं उसको लगाया अपनी बॉडी के ऊपर तो वो उतना हिस्सा काला हो जाता है उसके केमिकल की वजह से। अब इसमें अपनों को मिलाना है थोड़ा सा नीम का तेल, ताकि अपन इसके बाद में जो इसमें दूसरी चीज़ मिलाने वाले हैं तो वो भी केमिकल ही रहने वाला है। केमिकल यानी कि इत्र मिलाऊंगा मैं, तो इत्र भी कोई ओरिजिनल मिलता नहीं है। मैंने एक कस्तूरी लाया हूँ, 40 रुपये में कहाँ से कस्तूरी मिलेगा। एक कस्तूरी हैगा, 40 रुपये में कोई कस्तूरी नहीं मिल सकता। तो थोड़ा सा डालना है अपने को, इसके ना मिक्स करना है वेस्लिन के अंदर। ये नीम का तेल है, 20-30 रुपये की बॉटल है जो कहीं से भी मिल जाएगी। इसको अच्छे से मिला लेना है, इसका कलर चेंज हो जाए। इतना ध्यान रखिए कि कलर चेंज हो जाए इसका। इतनी क्वांटिटी में मिलाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए पूरी वेस्लिन का। जब हम अगर बॉडी पे इसको लगा रहे हैं तो बॉडी को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, इसके हिसाब से मैं ये बतला रहा हूँ आपको। अभी देखिए इतना तो कलर चेंज नहीं हुआ इसमें, अभी मैं थोड़ी सी और इसके अंदर मिलाता हूँ। ये देखिए ये मिल के इसका कलर चेंज हो गया, वाइट से ये तो ब्राउन पे हो चुकी है। आपको जो भी खुशबू पसंद है उसका इत्र लीजिए। इत्र भी जो है तो ऐसा ओरिजिनल तो कुछ नहीं कि फूलों का रहेगा या कुछ रहेगा, सब केमिकल है वो भी, कोई ओरिजिनल इत्र भी नहीं मिलता आजकल। तो आपको जो भी खुशबू का पसंद है या जो भी डिओड्रेंट पसंद है आपको, उसको आप अगर इत्र की दुकान पर लेके जाएंगे कि इस खुशबू का इत्र होना, तो वहाँ से मिल जाएगा। अब मैंने ये जो लाया हुआ हूँ ये कस्तूरी है, इस कस्तूरी के अंदर मैंने साथ में तुर्की उद भी मिलाया हुआ हूँ। मैं एक साथ दो इत्र मिला करके लगाता हूँ। तो ये अब इसके अंदर मैं ये डाल दूंगा। इसकी काफ़ी अच्छी खुशबू है, कस्तूरी और तुर्की उद दो चीज़ मिक्स है इसके अंदर। आपको जितनी तेज़ खुशबू हो ना उसके हिसाब से मिला सकते हैं। मैंने मेरे तरीके से मिलाया है, आपको जैसा पसंद हो आप उसके हिसाब से करिए। अब ये अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। ये पूरा कमरा महक चुका है खुशबू से। आप ये देख सकते हैं इसका कलर पूरी तरह चेंज हो गया। ये बड़ा ही आसान सा तरीका है। अब इसका फ़ायदा ये है कि जब आप इसको बॉडी पे लगाएंगे तो जो अतर का इत्र का केमिकल है वो टोटल अब इस नीम तेल की वजह से उसका असर बहुत कम हो चुका है, और बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये अंडर आर्म में लगाना है बगल के अंदर। अब ये जो डब्बी के अंदर थोड़ा सा रह गया है, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा नीम का तेल डाल दे रहा हूँ, ताकि ये मैं इसको इस्तेमाल अच्छे से कर सकूँ। और थोड़ा सा इत्र भी इसके अंदर डाल दे रहा हूँ, और फिर से हम इसको इसी डब्बी के अंदर वापस भर देंगे। अभी आप ये देख सकते हैं डब्बी के अंदर ही थोड़ी सी वेस्लिन बची हुई थी, उसी के अंदर मिला दिया। वेस्लिन आप कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सब ओरिजिनल ही रहती है, पेट्रोकेमिकल है, सब एक ही जगह से परचेस करते हैं, सब अपने अपने नाम से बेचते हैं। अब इसको लगाने का जो तरीका है वो बड़ा ही आसान सा है।
बस वो आपको अपना हाथ में लेना है, जैसे अभी मेरे जो चम्मच के अंदर भरा गया है इसको ऐसा अपना हाथ में ले लीजिए तो इसका हाथ को मस्त की, ये पूरा आपके हाथ में वैसलीन हो गई है और साथ में खुशबूदार इत्र की भी खुशबू हो गई और नीम का तेल भी आपके हाथ में आ चुका है। और ये अपने अंडर आर्म्स में लगा लीजिए यहाँ पे, थोड़ा ये कपड़ों पे नहीं लगाना, कपड़ों पे लगाएंगे तो दाग लग जाएंगे, ये बॉडी के ऊपर लगाने का लोशन डिओड्रेंट है का। तो ये आप घर के अंदर बनाइए, ज़्यादा अच्छा है, इसका कोई नुकसान भी नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और लंबे टाइम चलेगा। आपने एक अगर ये 20 रुपये की बॉटल ख़रीद ली है और 20-25 रुपये का इत्र ले लिए तो 50 रुपये में आपका कम से कम 3 से 4 महीने चले पुरता आपका ये बन जाएगा, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैंने आपको आसान सा तरीका बताया डिओड्रेंट बनाने का। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।